तू बोलो शुरू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आपको इंजन के कुछ पार्ट्स बताएंगे और उनके बारे में कुछ बाकी जानकारी भी देंगे। आप देख रहे हो, ये हेडलाइट्स हैं, उनकी फिटिंग कर रहे हैं, और बाकी जो ग्रिल भी आप देख रहे हो, जो ये मारुति 800 है। तो बाकी कुछ इंजन के बारे में हम आपको बताएंगे। ये साइलेंसर है, और नीचे गाड़ी भी दिखाई दी होगी आपको, अल्टीमीटर, और ये अल्टीमीटर है सामने, ग्रिल वगैरह, फाउंडेशन है, और ये इंडिकेटर की वायर लगाई है आप, बम्पर भी फिटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये लाइट है, और ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये रेडिएटर जिसमें पानी डालते हैं गर्म ना हो जाए गाड़ी, इसकी वजह से इंजन जो है वो थोड़ा हीट नहीं होता है। तो ये हम अब लाइटें चेक कर रहे हैं, तो लाइटें चल गई हैं। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे आपको बताना है सब बाकी कुछ भी। तो ये हमारे मिसिस साहब जो हैं, जो ये दूसरी वायर डिम लाइट की वायर चेक कर रहे हैं कि चलेगी या नहीं। ये इधर ये कुछ ये हॉर्न है, दो दो हॉर्न लगाते हैं आजकल। तो ये रेडिएटर है, तो ये इसके पीछे जो आपको दिख रहे हैं, ये थर्टर बॉडी है, और ये इसके आ गया सेल्फ, और ये आगे क्लच की वायर है। तो ये है, यहाँ से गियर ऑयल डाला जाता है, अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे। ये देख लो, इसके साथ गियर ऑयल भी लगा हुआ है, और ये ऊपर जो है इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल का हेड, जिसको हेड बोलते हैं, जहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है। और इसके बाद ये वाइपर की है, जो जिसमें पानी डाला जाता है वो बॉटल है, और ये वाइपर मोटर है। इसके बाद ये एसी का है क्लस्टर, और उसके बाद ये जो है रिले आ गई हैं, और ये आ गई, और ये फैन बेल्ट है आप देख रहे हो, और इंजन की कुछ पुलियाँ जिनको बोलते हैं, उन पे ये चलती है। ये फैन बेल्ट पूरे इंजन को घुमाने का काम करती है, और ये हमने पूरी फिटिंग कर दी है। ये बैटरी है, और ये एयर फिल्टर भी लग गया। तो इसके बाद आप आगे देख लो कि ये इंडिकेटर भी चल रहे हैं, ये गाड़ी आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अली माजिद के नाम से है। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है।